नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। श्रावस्ती, 6 दिनों की बारिश बनी सबके लिए मुसीबत, जगह जगह जल भराव। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में लगातार 6 दिनों से हो रही बारिश मुसीबत बन चुकी। इस बारिश ने कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर पालिका के दावों की पोल खोल के रख दी है। बारिश से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों और गांव कस्बे के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बारिश से रप्ती नदी के जलस्तर में भी काफी बढ़ोतरी हो रही, जिससे तटवर्ती गांवों के लोग बाढ़ की आशंका को लेकर सहमे हुए नजर आते हैं। लगातार हो रही बारिश से अधिकांश खेत पानी में लबालब हुए हैं। खेतों के ऊपर से पानी की धार चल रही। सब्जी के खेतों को, विशेष रूप से लता वर्गीय पौधों को अधिक पानी होने से नुकसान होने की आशंका बढ़ गई। पानी की पर्याप्त निकासी नहीं होने से सब्जी उत्पादकों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी हैं। श्रावस्ती जिले के गिलोला कस्बे में पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना कर रोड पर सावधानी से चलना पड़ रहा। तो वहीं जिला मुख्यालय के आसपास गांव में बारिश की वजह से पानी भर जाने से लोग अपने घरों में दुपक कर बैठने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं जुमना तहसील इलाके में रप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर लोग डर और सहमे नजर आते हैं। 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया, तो जिले के सरकारी स्कूलों में भी इसका सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिले के अधिकांश स्कूल के बाउंड्री में पानी भर जाने से बच्चों ने स्कूल आना ही बंद कर दिया है। हम आपको जिले के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे कि श्रावस्ती में बारिश से कितना असर पड़ा है। तस्वीरें बयां कर रही कि श्रावस्ती में बारिश किस तरह मुसीबत बन चुकी है। कुछ तस्वीरें रप्ती नदी के किनारे पर बसे हुए गांवों की हैं, जब बारिश के वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो वहीं गिलोला ब्लॉक के मध्य नगर गांव के लोग रप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर डर कर अपना मकान छोड़ रहे। तस्वीरें गिलोला कस्बे की हैं, जहां पानी भर जाने से लोगों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही। कस्बे की सड़कें ताल तलैया बन चुकी, राहगीर काफी दिक्कत में नजर आते और रास्तों को पार करते हुए काफी परेशानियों को उठाते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं कुछ तस्वीरें सरकारी स्कूलों की हैं, जहां पानी भर जाने से बच्चों ने स्कूल आना जाना ही बंद कर दिया। स्कूलों की बाउंड्री में पानी काफी जमा हो जाने से बच्चे स्कूल के अंदर आ ही नहीं पाते। दरअसल यूपी का ये श्रावस्ती जिला एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है, जहाँ हर साल रप्ती नदी का तांडव देखने को मिलता है, जिससे नदी के किनारे बसे सैकड़ों ग्रामीणों के घर नदी की कटान में समा जाते हैं। वहीं लगातार बारिश से नदी के आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार बारिश से लोगों की परेशानियां और चिंताएं बढ़ती जा रही। श्रावस्ती से टॉप न्यूज के लिए प्रदीप गुप्ता के साथ कैमरामैन संतोष शाहू की रिपोर्ट। देखते रहिए टॉप न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।